कुछ कपड़ा लेके आता हूँ, हमें इस शीशे को ढकना होगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ये उस शीशे की वजह से हो रहा है। पता नहीं, मैं उस दिन या दो तीन दिन पुरानी बातें याद करने की कोशिश करती हूँ, मेरा सर दर्द हो जाता है। रमनीक बच्चो, अदाइता मुझे यहाँ से बाहर निकालो। रमनीक मुझे यहाँ से बाहर निकालो। पुनीत बाहर आने की कोशिश करो। मैं कोशिश कर चुकी हूँ रमनीक, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। क्या हुआ भैया? अनीता, ये क्या है? अनीता, हमने तेरे से एक बात छुपाई थी। कैसी बात? वो जो बाथरूम वाला शीशा है ना, वो भूतिया शीशा है। क्या? हमने उसे ठक दिया था, लेकिन लगता है अब ये वाला शीशा भी। भैया, लेकिन हम भाभी को बाहर कैसे निकालेंगे? अनीता, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करें? भैया क्यों ना हम शीशा तोड़ दें, भूत भी भाग जाएगा और भाभी भी बाहर आ जाएगी। ये ठीक है अनीता, हम चलते हैं, कोई भारी चीज लेके आते हैं। पुनीत तुम घबराओ मत, हम भी आ रहे हैं। पुनीत चलो चलो। ये हमारे काम आएगी। हाँ ये ठीक है, चले चले। अरे ये क्या, भाभी कहाँ गई? शीशे में तो नहीं है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये मम्मा और मेरी रीन जी गई। ये क्या, ये तो अनान्या की आवाज है। पुनीत उसके साथ है क्या? चलो आओ देखें। पुनीत, हाँ जी। पुनीत तुम जरा मेरे पास आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ जी। तुम उस शीशे में से बाहर कैसे आई? कौन से शीशे में से? वो ड्रेसिंग रूम वाला शीशा। कौन सा शीशा? कौन सी बात करी जा रहे हो तुम दोनों? मुझे तो खुद समझ। कौन भाभी?
किसी को नहीं छोड़ूंगी। देखो तुम हमें माफ कर दो, हम यहाँ से चले जाएंगे। तुम पुनीत के शरीर से बाहर आ जाओ, हमें माफ कर दो। ठीक नहीं है बेटा। पर क्यों? बस कह दिया ना आप लोग इन मिरर्स में नहीं देखोगे। पापा पर मैंने तो अपनी शक्ल मिरर में सुबह देखी थी। क्या? और तुमने अपनी रिफ्लेक्शन देखी थी? ऑब्वियसली शीशे में अपनी रिफ्लेक्शन ही दिखेगी ना, भूत थोड़ी ना। अच्छा हुआ हमने सारे शीशे ढक दिए। हाँ भैया, हम ये कैसे भूतिया घर में आ गए हैं? पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करते हैं, पहले चलते हैं तेरी भाभी को देखते हैं। हाँ चलो। पुनीत। भाभी उठो। पुनीत। मेरा सिर इतना भारी हो रहा है, मुझे सिर में दर्द हो रही है, मैं यहाँ कैसे आई? वो भाभी। तुम छोड़ो, तुम आराम करो, पहले चलो अपने कमरे में चलो। हाँ चलो। Later. और मुझे लगा कि सिर्फ बाथरूम वाला शीशा ही भूतिया है। नहीं भाभी, घर के सारे शीशे भूतिया हैं। अनायता रमी, तुमने सारे घर के शीशों को ढक दिया है ना? तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम दोनों ने ठीक से सारे भूतिया शीशों को ठीक से काले कपड़े से ढक दिया है। और तो और मैं कल ना घर के सारे शीशे बदल दूंगा और फिर इस भूत से हमारी जान छूट जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए। अनन्या वर्सेस शनाया सो मेकिंग चैलेंज लाइव हो चुका है हमारे चैनल RS1313 व्लॉग पे। अनन्या जीतेगी? नहीं, शनाया जीती है। शनाया जीती है। आप ही देख लो कौन जीता है, कमेंट करके बताना।